किन किन चीजों पे आपने इस ट्रैक्टर को चलाया है? मतलब बोनी अब कोई ट्रैक्टर में नहीं है इसके मुकाबले में बैठ, सब ट्रैक्टर उनसे सवाई ज्यादा हकता है। डीजल एवरेज क्या रहा बकर, मतलब एक एक घंटे में कितना डीजल पिया आप? रोटोवेटर कितने फीट का यूज कर रहे? ऊपर नीचे का कोई काम नहीं है आज तक, पानी नहीं लगा उसको, डेढ़ साल हो गया। 65 एकड़ जमीन ट्रैक्टर से, एक ही ट्रैक्टर से मतलब सब कर। तो एक घंटे में कितना एकड़ निकाल देता है लगभग? इसमें मतलब जो है 10.5 घंटे में ट्रैक्टर से नीचे पाँव रखा है मैंने कल, वो इसमें कहीं भी लीकेज नहीं है। अच्छा, तो उसमें तो और कम करता है, 60 क्विंटल वजन हो या 60 क्विंटल वजन हो, 13 घंटे पे सीट पे से नीचे नहीं उतरा हूँ। उनके बाद में कम से कम नहीं तो 12-13 ट्रैक्टर हो चुके हैं यही। उसका 3 का एवरेज उसको अब 1.5 साल से चला रहा हूँ। 1.5 साल किसान भाई, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मिलाने वाले हैं एक ऐसे किसान से जिन्होंने लगभग 1.5 से 2 साल लिए जॉन डियर का 50-50D हो गया है। इन्होंने सब चीजों पे इन्हें चलाया जैसे बोनी बकर प्लाउ पे, तो इनसे हम इनकी जानकारी लेते हैं किन किन चीजों पे इनका क्या एवरेज देखने को मिला और कैसा क्या रिस्पॉन्स रहा जॉन डियर के 50-50D का। तो नमस्कार किसान भाई, आपका नाम क्या है, थोड़ा सा परिचय दीजिए आपका। कहाँ से हैं आप? मराड़ी। मराड़ी से। तो आपने कब लिया था जॉन डियर का 50-50D? 1.5 साल हो गई इसको लिए। 1.5 साल हो गए। लगभग कितने घंटे चला दिया आपने? हमने इसको चला दिया 500-550 घंटे। 500 घंटे के आसपास चल गया। और किन किन चीजों पे आपने इस ट्रैक्टर को चलाया है? मतलब बोनी में, बखर में, पिलाव वगैरह पे, सब पे चलाया है। सब पे चलाया है आपने? मतलब जॉन डियर का ट्रैक्टर ही क्यों लिया? जॉन डियर का इसका जो है सब ट्रैक्टर उनसे सवाई ज्यादा हकता है। अच्छा, राउंड तेज है इसके, तेज है इसके चलने में। अच्छा, मतलब आप जो है कम बखर में इसको 2.5 घंटे 2.5 एकड़ भी हाँ सकते हो। 1 घंटे में, मतलब 1 घंटे में बखर पे आप 2.5 एकड़ निकाल सकते हो इससे। और आपने इसे बखर पे अगर चलाया तो इसका डीजल एवरेज क्या रहा बकर, मतलब एक एक घंटे में कितना डीजल पिया? 4 लीटर डीजल पीता है। 4 लीटर 1 घंटे में पीता है। और इसे आपने इस पे कल्टीवेटर पे चला लिया, ठीक है। सीडिल पे चलाया तो सीडिल पे क्या? पे भी 4 का ही एवरेज दे रहा है। 4 का। और आप रोटोवेटर कितने फीट का यूज कर रहे हो इस पे? 6 फीट का। उस पे क्या? 4 का ही एवरेज दे रहा है। उस पे भी बराबर 4 का ही। 4 के चल। और आप प्लाउ पे चलाया? प्लाउ पे अभी नहीं चला पर लिया है, प्लाउ अब चलाएंगे। अच्छा, वैसे आपने जान के लिया हुआ प्लाउ पे, कैसा रिस्पॉन्स आपके गांव में है बोला था आपने? गांव में हमारे पास में और भी ट्रैक्टर है, मतलब इसी में के हाँ। वो भी मतलब 4.5 का प्लाउ पे देते हैं। 4.5 का पे देते हैं पर घंटे से आपके अगर आप 1.25 फीट लगाओगे तो, और कम अगर लगाओगे तो वो 4 का एवरेज देगा। और इसे आपने 500 घंटे चला दिया, 500 घंटे में आपको क्या इसमें कमी दिखी? कुछ भी कमी नहीं आज तक, मतलब कोई भी कमी नहीं दिखी आपको? बिल्कुल भी कोई कमी नहीं। खुलने मिलने का कोई काम तो नहीं हुआ अभी तक? आज तक पानी नहीं लगा उसको, 1.5 साल हो गया। 1.5 साल ही हो गया आपको? 65 एकड़ हाँक रहा हूँ इसी से। मतलब आपके पास कितनी जमीन है पूरी? 65 एकड़ जमीन केवल जॉन डियर के 50-50D से कर रहे हो आप? एक ही ट्रैक्टर से। एक ही ट्रैक्टर से, मतलब सब कर, पूरी सिंचाई है? सिंचाई वाली है, मतलब पूरी भीगी हुई जमीन है। अच्छा, अभी आपने इसे जैसे सीडिल पे चलाया तो 1 घंटे में कितना एकड़ निकाल देता है लगभग? सीडिल पे 2.5 एकड़ बोते हैं। सीडिल पे भी? सीडिल पे 2.5 एकड़ बोते हैं। अच्छा, 1 घंटे में निकाल देता है तो 2.5 एकड़ आराम से। आपने मतलब इसके राउंड तेज है इसलिए लिया कि और भी कुछ खूबी लगी आपको इसमें? खूबी क्या है, एक तो इसमें कहीं भी लीकेज नहीं है। अच्छा हाँ, वो जॉन डियर की सबसे अच्छी बात है कि इसके इंजन में कोई लीकेज नहीं है, कहीं भी इसका लंबे समय तक चलता है। ऐसा नहीं है कि कहीं से काला हो रहा है कि पीला ऑयल फेंक रही है तो कहीं डीजल फेंक रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा, साफ सुथरा है। तो अच्छी बात इसकी है, वो बोनी बखर में बिल्कुल ऊपर नीचे होने का कोई काम ही नहीं है उसका, बिल्कुल एक सा चलता है। बिल्कुल एक सा। लिफ्ट कैसी है इसकी? लिफ्ट बहुत अच्छी है इसकी, मतलब सेंसिंग कैसी चलती है इसकी? अच्छा, जैसे कि अगर कहीं ऊंचा नीचा होना है तो सीडिल अपने आप, अगर पहिया ऊंचा भी होगा तो सीडिल नीचे रहेगी। अच्छा, बराबर लेवल से दिया है। लेवल से लेके चलता है? लेवल से लेके चलता है बिल्कुल। जिस पे आपने कस दिया उसको उसी पे चलाया है। अच्छा, ऊपर नीचे का कोई काम नहीं है। तो आप इससे जैसे 65 एकड़ अगर अकाई करते हो हाँ, तो इसमें कोई भी आपको समस्या नहीं अभी तक? कुछ भी अभी तक समझ नहीं है, 1.5 साल हो चुके हैं इसको पूरे। सब पे इसका ओवरऑल अगर एवरेज की बात करें मतलब कितना रहा? 4 लीटर के आसपास के, और ज्यादा भी कभी ले जाता है? जैसे कि अगर पिलाव को अगर 1.25 फीट में अगर लगाओगे तो 4.5 का देगा। 4.5 का हाँ, और 1 फीट अगर गहराई पे लोगे तो 4 का ही देगा। और इससे आपने ट्रॉली वगैरह के काम किए हैं? हाँ, मतलब ट्रॉली खींचने के तो उसमें तो और कम करता है उसमें, रोड के ऊपर तो 3.5 का एवरेज देता है। 3.5 का एवरेज आ जाता है। कहते हैं इसका जो एवरेज है वो जॉन डियर के अन्य ट्रैक्टर के मुकाबले काफी अच्छा है, तो आपको लगा क्या ऐसा देखने को? बस सबसे अच्छा यही लगा उसका कि वो मतलब बिल्कुल फ्री चलता है एकदम, और रोड के ऊपर 3.5 का एवरेज देता है, चाहे 70 क्विंटल वजन हो
या 60 क्विंटल वजन हो। और इसकी बैठक के बारे में आपका क्या कहना है? सीट वगैरह मतलब कोई ट्रैक्टर में नहीं है इसके मुकाबले में बैठक, इतनी टॉप बैठक है। कितने घंटे तक चलाया आपने लगातार इसे बैठ के? मतलब जो है 13-13 घंटे पे सीट पे से नीचे नहीं उतरा हूँ। 13 घंटे तक लगातार चलाया आपने? कली की बात है, कली में इसमें मतलब जो है 10.5 घंटे में ट्रैक्टर से नीचे पांव रखा है मैंने कल बोनी करने। अच्छा, आपको आराम के मामले में इससे बेटर कोई ट्रैक्टर मालूम ही नहीं पड़े उस पे कि तुम कहाँ बैठे हो यार। मतलब बैठ के आप चला के देखो उसको, देखो आपका ट्रैक्टर चलता है क्या नहीं। तो अगर अगर हम बात करें ओवरऑल की इसके नंबर की, अगर आप इसे 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में तो पूरे 10 ही नंबर है। 10 ही नंबर है आप खुद से मतलब जॉनडियर का ट्रैक्टर चलाने में, मतलब आप स्वयं ही इससे? हाँ, किसान के पास में कम से कम नहीं तो 12-13 ट्रैक्टर हो चुके हैं यही जॉनडियर के, यही 50-50D। अच्छा, मतलब आपके गांव में आसपास यही ट्रैक्टर है अधिकतर? हमारे गांव में कम से कम 10-12 ट्रैक्टर है। अच्छा, आपके पास खेती भी है, आप इतनी खेती भी करते हो, इससे खुश भी हो, और इसमें आपको आपके पास और कौन सा ट्रैक्टर है कि यही है बस? नहीं, पहला दूसरा जून वो था हमारे पास महिंद्रा। महिंद्रा का कौन सा मॉडल था पहले आपके पास? बहुत ज्यादा पुराना था, मतलब 265 कौन सा मॉडल? 365 था, 365 था हमारा। अच्छा, उसके बाद आपने ये लिया, उसका एवरेज क्या था 365 का? 3 का एवरेज था। हाँ, लेकिन वो राउंड भी कम है, काम भी कम करके क्या है, अब एक घंटे में 1.5 एकड़ हाँकता था, अब ये एक घंटे में 1 एकड़ और ज्यादा हाँकता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है। तो इसे आप 10 में से 10 नंबर देना चाहेंगे? 10 नंबर। और अगर कोई किसान भाई इसे खरीदना चाहे तो इसके एवरेज के बारे में आप क्या कहेंगे? इसका एवरेज बहुत ही अच्छा है, अगर सही से आदमी चला तो 400 आगे चलते ही नहीं है, देता ही नहीं है, ना तो कम देगा ना ज्यादा देगा। जैसे अधिकतर किसान भाई कहते हैं कि जॉनडियर के ट्रैक्टर लपक के डीजल पीते हैं, मतलब भयंकर, 400 कोई ज्यादा नहीं पीता है कोई सा भी। अच्छा, तो मतलब मैंने तो इसको अब 1.5 साल से चला रहा हूँ, 1.5 साल हो गया चला रहा हूँ, 65 एकड़ हाँक रहा हूँ। अच्छा, कोई वो ही नहीं है। तो मतलब आप बिल्कुल खुश है जॉनडियर के ट्रैक्टर से? ट्रैक्टर का जॉनडियर बिल्कुल खुश है। तो किसान भाई देख सकते हैं आप, इनके पास जॉनडियर का 50-50D है। जिन्होंने आपको जानकारी दी है, जानकारी कैसी लगी हमें नीचे लाइक करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अधिक से अधिक किसान भाइयों के पास शेयर करें, और हमें ऐसे ही नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी नई नई जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।